सेक्रेटरी कोऑपरेटिव सिंध डॉक्टर नसीमुल गनी सेतो ने कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जायज मसाइल के हल के लिए जामिया प्लान तरतीब दे रहे हैं और हमारी कोशिश है कि सिंध भर की कोऑपरेटिव सोसाइटीज को वहाँ के रहने वालों के हवाले करें ताकि वहाँ के मसाइल हल हो सकें। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने दौरा हैदराबाद के दौरान किया। उन्होंने दौरा हैदराबाद के मौके पर सिंध यूनिवर्सिटी हाउसिंग सोसाइटी हैदराबाद, जेम खाना हैदराबाद, स्मॉल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवान तिजारत व सनत हैदराबाद, कोहसार हाउसिंग सोसाइटी लतीफात और दामन कोहसार लतीफाबाद में ताजरों, सनतकारों, अमायदीन शेर और कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जानिब से दिए गए इस्तकबालिया से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर दामन कोहसार के राव सईद अहमद जबकि कोहसार हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से असलम खान देसवाली ने सेक्रेटरी कोऑपरेटिव को अजरक सिंधी टोपी और शील्ड के तहफ दिए जबकि स्मॉल चैम्बर के सदर अल्ताफ मेमन और हैदराबाद ऐवान तिजारत व सनत के सदर फैजान एलाई ने अजरक टोपी पेश की। सेक्रेटरी कोऑपरेटिव नसीमुल गनी सेतो ने कहा महकमा कोऑपरेटिव की भरपूर कोशिश है कि सोसाइटीज में मुंतखब बॉडी कायम करे ताकि मसाइल का जल्द से जल्द हल मुमकिन हो। कैमरामैन उमर हायत के साथ इमरान शलकियारी, धूम न्यूज़ 24/7 हैदराबाद।